सोचा कभी आपने कि हम भारतीयों को 100 में से 99 बेईमान क्यों कहा जाता है? जापानी भी तो हम जैसे इंसान ही हैं, वो 100 में से 99 ईमानदार कैसे हो गए? सोचा कभी आपने? सच तो ये है कि कोई होता ही नहीं बेईमान या ईमानदार। 100 में से 99 लोग केवल कच्ची मिट्टी होते हैं और हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है कुम्हार। कुम्हार कच्ची मिट्टी को सुंदर मूर्तियों में भी ढाल सकता है और भीख मांगने के भद्दे भांडों में भी। आजादी के बाद हम भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही ऐसे दो अयोग्य कुम्हारों के हाथों में पड़ गए जिन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए लाखों का कत्लेआम तक कराने में भी कोई संकोच नहीं किया था। फिर भला और कर भी क्या सकते थे हम 100 में से 99 बेईमान होने के अलावा। जैसा जैसा देखते रहे वैसा वैसा सीखते गए, ढलते चले गए बेईमानों के बनाए उन्हीं स्वार्थ और षड्यंत्रों के सांचों में जिन्हें हमने कभी अपनी मर्जी से स्वीकार नहीं किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नहीं चाहता रिश्वत देना, लेकिन जब देनी पड़ती है तो लेना भी जायज लगने लगता है। कोई नहीं चाहता दहेज, लेकिन जब देना पड़ता है तो लेना भी हक लगने लगता है। कई दशकों तक अगर कोई जंजीरों में बंधा रहे तो उसे वो जंजीरें ही अपना परिधान लगने लगती हैं। आदत हो जाती है जंजीरों की भी उसे। हमने भी इस थोपी गई बेईमानी को ऐसे ही अपनी निजी चाहत मान लिया था, स्वीकार लिया था कि हम हैं ही 100 में से 99 बेईमान। लेकिन सच तो यह है कि जैसे जापानी कुम्हार ने सभी जापानियों को ईमानदारी के सांचे में ढाल दिया, वैसे ही हमारा कुम्हार भी अगर कोई सरदार पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर बन पाता तो हम भी आज फक्र से कह रहे होते कि भारतीय 100% ईमानदार होते हैं। आज जो कुम्हार हमारे बीच उम्मीद की एक किरण बनकर आया है, डर है कि उसे कहीं हम गंवा न दें। राष्ट्रगान पर खड़ा होना सिखाने से शुरू किया था उसने, स्वच्छता सिखाने लगा है वो अब हमें, टैक्स देने और कालाबाजारी रोकने को विवश कर दिया है आज उसने सबको। शुरू शुरू में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन धैर्य मत खोना। एक बार अपने बच्चों के विषय में जरूर सोच लेना, क्या उन्हें भी एक बेईमान भारत में अकेला जूझने को छोड़कर चले जाना चाहते हैं? भूल जाइए आपके क्षेत्र में भाजपा के टिकट पर खड़ा प्रत्याशी कितना निकम्मा है। कितना भी बेकार होगा वो औरों से फिर भी ठीक ही होगा। वोट उसे ही दीजिएगा, वो जीतेगा तभी आएंगे ना मोदी। ध्यान रहे, सिस्टम पर काबिज होकर ही सिस्टम को बदला जा सकता है। बाहर बैठकर तो सिर्फ तमाशा ही देखा जा सकता है।